ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जो दूसरों के लिए रास्ता बनाता है वही इतिहास रचता है, और आज भारत ने ये कहावत सच कर दिखाई है। पहली बार भारत ने आकाश मिसाइल सिस्टम को निर्यात कर अर्मेनिया में अपनी ताकत का परचम लहरा दिया है। ये न केवल भारत के लिए आर्थिक सफलता की कहानी है बल्कि एक कूटनीतिक जीत भी है। दरअसल भारत अब सिर्फ डिफेंस हथियारों का उपभोक्ता ही नहीं बल्कि प्रमुख निर्यातक के रूप में उभर रहा है। हाल ही में भारत ने अर्मेनिया को 15 आकाश मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी दी है, जो एक मल्टी बैरल डिफेंस सिस्टम है। ये कदम न केवल भारत की बढ़ती ताकत को दिखा रहा बल्कि ये साबित करता है कि भारत अब टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर देशों को टक्कर देने के लिए तैयार है। अर्मेनिया, जो अपने पड़ोसी अजरबैजान और तुर्की के साथ तनावपूर्ण संबंधों के लिए जाना जाता है, उसने भारत के साथ ये डील कर अपनी सुरक्षा को मजबूत किया। आकाश मिसाइल सिस्टम भारत का स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया है। ये 25 किलोमीटर तक की दूरी, 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट और मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। ये क्रूज मिसाइल हो या ड्रोन हो या लड़ाकू विमान, किसी को भी ट्रैक कर सकता है। इसका 3D रडार एक साथ 64 निशानों को ट्रैक कर सकता है और 12 को तुरंत समाप्त कर सकता है। आकाश मिसाइल की कीमत अन्य देशों की मिसाइलों की तुलना में 8 से 10 गुना कम है। अर्मेनिया ने फ्रांस और भारत दोनों से मदद मांगी थी, लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम उनकी प्राथमिकता बना है। इसके पीछे कई कारण हैं। फ्रांस के डिफेंस हथियार महंगे हैं, जबकि भारत के हथियार ताकतवर होने के साथ किफायती भी है। फ्रांस की तुलना में भारत के हथियारों की सप्लाई में कम लागत और कम समय लगता है। आकाश मिसाइल सिस्टम की काबिलियत ने अर्मेनिया को आश्वस्त कर दिया है कि ये उनकी रक्षा जरूरतों को पूरा कर सकता है। भारत का ये कदम अजरबैजान और तुर्की जैसे देशों को रास नहीं आएगा। अजरबैजान ने भारत को चेतावनी तक दी थी कि वो अर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई न करे। इसके बावजूद भारत ने अर्मेनिया को मिसाइल सिस्टम भेजकर साफ संदेश भेज दिया है कि भारत अपने रणनीतिक फैसले स्वतंत्र रूप से करता है। इस डील की अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है, जो भारत की रक्षा अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। भारत पहले से ही दुनिया में तेजी से उभरते डिफेंस एक्सपोर्टर देशों के रूप में शामिल हो चुका है। पिछले साल भारत ने 13,000 करोड़ रुपए के हथियार निर्यात किए थे, जिसमें अर्मेनिया टॉप बायर्स में से एक था। खैर, इस सफलता के बाद भारत के पास बड़े अवसर हैं। अर्मेनिया जैसे छोटे देशों के साथ ही बड़े देश भी अब भारत की ओर रुख कर सकते हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम की ये डिलीवरी दिखाती है कि भारत न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा बल्कि दूसरों की मदद भी कर रहा। क्या आपको लगता है भारत दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर देशों को पीछे छोड़ सकता है? हाँ या ना में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।